आखिर क्या हुआ कि बिहार के एक छोटे से गांव के रहने वाला किसान परीक्षा देने के तुरंत बाद ही आत्महत्या करने की सोचने लगा। ये कहानी सिर्फ एक किसान की ही नहीं बल्कि भारत के सभी छात्रों की कहानी है। तो आइए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। देखिए, गरीबी और बेरोजगारी हर तरीके से इंसान का परीक्षा लेता है, और ये बेरोजगारी के दलदल से निकलने वाला जो परीक्षा है ना, वो सबसे कठिन होता है। क्या है कि इसमें हम अपन खाली गरीबी से नहीं लड़ते, लड़ना पड़ता है हमको सरकार और भ्रष्टाचारी लोगों से। तो आइए दिखाते हैं अपन और अपन बड़का भैया की कहानी। अरे सर निकलने हम, ठीक है गाड़िया आ गया मेरा मलिका, दस बार फोन कर देखो फिर कर दिया। अब बोले निकलना तो खाना ना खा के निकलना, ठीक है निकल के हमको फोन कर देना, हम जा रहे हैं। भैया को फोन करके बोल दे, हेलो भैया निकल रहे हैं परीक्षा देने। हाँ ठीक है निकलो, आरा सेंटर दिया है ना? हाँ यही आरा में दिया है, आरा में सेंटर दिया हमारा राधा कॉलेज में। ठीक है आराम से निकलो, एग्जाम एग्जाम दे देना, ठीक है आराम से जाओ। ठीक है रखिए, ठीक है ठीक। मिनट बचले ट्रेन वो छूट जाएगा, जल्दी चलो। साहिद को बुला ले फोन करके। हेलो भाई। हाँ साहिद। हाँ आ गए आ रहा देखता ना पे। कहाँ है तुम? अरे कब्जे से खा रहा है यहाँ। हाँ आओ जल्दी आओ भाई जल्दी आओ। चलो ठीक है। अरे भाई बड़ा लेट कर दिया यार, हम फंस चुके हैं अभी आ रहा। चलो कॉलेज का टाइम नहीं है, जल्दी चलो नहीं तो फिर एग्जाम छूट जाएगा, परीक्षा छूट जाएगा। आ गया महाराजा को ले जावा, जल्दी चलो नहीं तो परीक्षा। शायद क्या क्या ले जाना है परीक्षा देना? आधार कार्ड ले लो, एडमिट कार्ड ले लो, और बाकी फोन होने से ले लो। एडमिट कार्ड हो गया, ही मोबाइल पकड़ लो। अब हम जब तक तुम रुक नहीं। एकदम मस्त गया एग्जाम यार इस बार का, इस बार तो पक्का सिलेक्शन है। भैया को फोन करके बोल दें। हाँ हेलो भैया। हाँ तो बढ़िया रहा ना, परीक्षा कैसा गया? इस बार पक्का सिलेक्शन है भैया, इस बार एग्जाम कोई नहीं रोक सकता, इस बार सिलेक्शन से बहुत मस्त परीक्षा गया भैया। चलो बढ़िया है, तुम तो एक खबर देके हमारा पूरा दिल खुश कर दियो। कोनो बढ़िया होटल देख खाना खा लो, पैसा है ना? हाँ पैसा वैसा है। ठीक है भैया खा पी ले रहे। ठीक है अब घर आके बात करते हम। चलिए ठीक है। इस बार तुम्हारी परीक्षा बड़ी बढ़िया गया है, गर्म करिए नहीं कि मानेगा। चलो इतना काम बचा हुआ है, सारा लगा देना उधर। ठीक है पूरा डब्बा गंदा हो गया, साफ कर देना, दिवाली आ रहा है अभी।
कल सवेरे आना, आके पूरा धो देना, ठीक है ना? कल हमको जाना है कहीं। अरे भाई इस बार पेपर एकदम मस्त गया, एकदम पक्का सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, पूरा हमारा फैमिली खुश हो जाएगा, भैया भी एकदम पूरा खुश हो जाएंगे। चाचा एक चाय लाइएगा तो। हाँ भाई हेलो। अरे भाई, अरे कैसा गया एग्जाम तेरा? एकदम मेरा मस्त गया भाई, इस बार सिलेक्शन पक्का है एकदम। अरे भाई पेपर फिर से लीक हो गया। भाई यार काहे ला मजाक कर रहा? अरे भाई न्यूज देख। क्या हो गया भाई? क्या हो गया भाई? भाई फिर से पेपर लीक हो गया। पिछले बार भैया 2 नंबर से छूट गया था, इस बार हम सोचे थे पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, पर भैया को बोल दिए थे भैया इस बार सिलेक्शन पक्का है, तो फिर से पेपर लीक हो गया। अब क्या बताएं आपको, किसान की मेहनत और उम्मीदों का सपना एक पल में चूर चूर हो गया जब परीक्षा का पेपर लीक हो गया। इस साल एग्जाम हुआ तो हो ही जाता था, लेकिन साल आज तक कभी रिजल्ट ही नहीं आया। तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का नाकामी का ही नहीं बल्कि पूरे सिस्टम के नाकामी का प्रमाण होता है। यह सिर्फ जिसान का मामला नहीं है, लाखों छात्रों का मेहनत और सपनों को सरकार के लापरवाहियों की वजह से बर्बाद किया जा रहा है। पेपर लीक की घटनाएं हर बार यह साबित कराती है कि सिस्टम में गंभीर समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि इस भीड़ में कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए उन्हीं बच्चों को जाना चाहिए जो अंदर से और पैसों से कुछ हद तक मजबूत हो। लेकिन हम भी बिहारी हैं बबुआ, कहते हैं ना जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इसे मोटिवेशन कह लीजिए या मजबूरी, बस लगे हुए हैं।